तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाई लोग। तो भाई लोग आपके लिए एक और नया गेम प्ले लेके आया हूँ, जो कि आपको इतना ज़्यादा मजा आने वाला है इस गेम प्ले में देखना। एक नहीं दो गेम प्ले होने वाले हैं और आपको गेम प्ले में मैं काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है कॉन्कर पुश करने के लिए। आपको पता है कि नया सीजन भी आने वाला है भाई, सब लोग वेट कर रहे हैं नया सीजन का कि कब आए और कब हम लोग रैंक पुश करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है भाई रैंक पुश करने में जो मज़ा आता है ना वो मज़ा कहीं पर भी नहीं आता है। और भाई जो लोग भी डुओ में स्क्वाड में जो भी रैंक पुश करते हैं ना, तो भाई उन लोग को भी अगर वो सोच रहे होंगे कि भाई सोलो में खेल के यार इतना बोरिंग होता हुआ क्या ही बताऊँ मैं, पर आपको बता दूँ भाई मेरे को सोलो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस दिन से मैंने सोलो रैंक पोस्ट करना स्टार्ट किया ना, मेरा स्क्वाड खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, 1% मेरे को मन नहीं करता, क्योंकि इसमें इतना मज़ा आता है ना मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम लोग को आगे क्या करना है, कौन सी सिचुएशन पे क्या करना है, क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं होता है। तो इसलिए भाई पूरा मतलब सोलो में रैंक पोस्ट करो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता दूँ जो भी आपको रैंक पोस्ट में जाता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जैसे नेक्स्ट सीजन आता है ना, शायद 5:30 या 6:30 इसने अभी तक आता है ना, थोड़ा टाइमिंग उसका फिक्स है आता है, तो उस टाइम पे अगर आपने रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने 2 या 3 दिन के अंदर भी अगर आपने एस लगा लिया 4200 पॉइंट भी कर लेते हो, तो आपको पक्का कॉन्कर मिल जाएगा, बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब कॉन्कर मिल जाएगा तो भाई क्या ही चाहिए, कि कॉन्कर चाहिए होता है, और आप चाहो तो टॉप 10 के अंदर टॉप 100 के अंदर भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि भाई आप सोलो में आज तुमको पता है कितने ज़्यादा प्लेयर कम भी हो गए और बढ़ भी गए, ठीक है ना। तो भाई अपना गेम अगर तुम्हारा गेम प्ले है बढ़िया है तो भाई तुम तो पता है तुमको टॉप 100 में से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। और हैकर की बात हुई इधर, तो हैकर ज़्यादा नहीं आते, हैकर शुरू में तुमको हैकर इतने ज़्यादा मिलेंगे ना तुमको बोरिंग लगने लगा, भाई हैकर मार देना मन नहीं करा रैंक पुश करने का, तो भाई हिम्मत हारना बहुत मज़ा आता है, आप करो ठीक है, 4 या 200 पॉइंट कर लो, 2 या 3 दिन के अंदर आपको कॉन्कर इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सीजन का वेट करो और जल्दी से कॉन्कर पुश करो। अब यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग गेम प्ले के ऊपर, और यहाँ पर गेम प्ले में क्या होने वाला है, यहाँ पर भाई मेरे 3 किल हो गए थे, एक बंदा जो मेरे पर नेड कर रहा था, और ये बंदा मेरे पर पुश नहीं कर रहा था, मैं सोचता मैं पुश करूँ, तभी ये बंदा जो ऊपर से जंप करा, अब इसको क्या लगा मुझे फुट नहीं आया पर मुझे यहाँ पर क्लियर फुट आ गया था, तभी यहाँ पर एक कार और आती है, कार बोल रहा हूँ सॉरी बग्घी आती है, तभी मैं इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। अब मुझे पता है भाई ये बंदा हेल्थ लगा रहा होगा, इसलिए भाई मैं पुश कर देता हूँ। अब भाई इन G2 भाई मतलब YouTube G2 2 OP भाई तुम लोग जानते भी होगे भाई, अच्छा बंदा भाई बहुत प्यारा बंदा है, ठीक है। तो इस बंदे को तो मारने के बाद मैं अपना मशीन गन लोड कर रहा होता हूँ, अब जैसे मशीन गन लोड करता हूँ तब यहाँ पे मुझे एक कार का साउंड आता है, और ये बंदा पता नहीं कौन सा नशा कर रहा था, तुम देखना मतलब संजय भाई क्या करे, मतलब क्या करे मेरे को तो भाई समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, बंदे को मारने के बाद में यहाँ पर सर्कल बन जाता है काफ़ी दूर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं कूप लेके निकलता तो मेरे को पीछे से बग्घी आती है, एंड सीज चेंज करके अब इस बंदे को तो मैं अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। अब तुम इधर भाई मेरे को हैकर बोलने वाले हो, अभी तुम देखो कैसे, एक बात बताऊँ भाई मैं इस बंदे को मार ही नहीं रहा था, मैं बस बग्घी फोड़ रहा था कि बग्घी फूटे बंदा मरे, पता नहीं इस बंदा कैसे मेरे को मर गया समझ ही नहीं आता। तब यहाँ पे एक कार और आती है, आज तुम देख रहे हो मतलब लोंडे किल पे किल निकल रहे भाई, मजा आ गया इस गेम में कसम से कर रहा हूँ भाई, लोंडे आ ही जा रहे हो, मैं वहाँ पर मारा जा रहा था। अब इस बंदे को हल्का सा डैमेज पड़ता है तब यहाँ से बंदा निकल जाता है। अब मैं मशीन गन लोड इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑटो गन मेरे पे इधर एक ही है एंड दूसरा इधर स्नाइपर है, तो भाई उस बंदे को तो मैं स्पॉट करता हूँ, तभी यहाँ पर मुझे लेफ्ट में दिखता है वो बंदा है, उसकी कार दिख जाती है, तो मुझे पता था कार के पास इधर लेटा होगा, तो मैं सीधे निकलता हूँ उस बंदे के पास, यहाँ मैं उसको बंदे को स्पॉट कर लिया था, और इधर इस बंदे को इजी मार देते हैं। अब यहाँ पर भाई दोनों कार डैमेज थी और फुल टू फुल दर हेल डाउन थी, अब मुझे पता था सामने बंदा है ना कार वाला, अगर मैं कार लेके जाऊंगा वो बंदा था स्प्रे से मार देगा। अब तुम देखना ये कितना बढ़िया, मतलब देखना भाई क्या हुआ मेरे साथ, इधर मैं नेट करता हूँ मुझे लगा शेक में, भाई ये बंदा इधर होल्ड करा था, मतलब यार क्या है मेरे साथ बड़ा सीन हुआ है। अब यहाँ पर जो गेम प्ले हो जाता है, दूसरे गेम प्ले में भी भाई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे स्किन वाले बंदे आने वाले हैं, मतलब लौंडे गन पे गन चमका जा रहे थे, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना हम भी चमकाएं, पर इधर मेरे को M4 ही नहीं मिलती, और तुम देख ही सकते हो अर्जुन रेड्डी, अरे भाई तो रेड्डी सिर आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर होता है सामने बंदा, तो मैं सोचता हूँ कि नेट करूँ, अब जैसे नेट करता हूँ तभी पीछे भागता है। अब इधर मैं इसको डैमेज देता हूँ, इस बंदे का तुम ड्रॉप शॉट देना क्या ड्रॉप शॉट होने, और मैं यहाँ पर मर गया, मुझे पता था क्योंकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं कि मेरा एम पड़ जाए,
अब तभी यहाँ पर मैं रिकॉल होता हूँ और यहाँ पर एक आ रहा था धूम 3 का हीरो। अब ये ऋतिक रोशन था कि कौन था ये तो मेरे को नहीं पता, पर जाके देखते ऋतिक रोशन था कौन था। ये तो मिस्टर इंडिया था भाई। ओ भाई मिस्टर इंडिया था ये तो बोल रहा है मैं दिखाई नहीं भाई, मैंने तेरे को देख लिया। ओ भाई ये सही था। अब इस बंदे को मार देगा यहाँ पर मैं लूट कर दो। तभी यहाँ पर एक और मिस्टर इंडिया, वो भी तुम देखो कहाँ पर है सामने देखा लेट गए। ओम फो भाई धर्राटे काटते कसम से करो मैं लेट रहता था जैसे जाते हैं जैसे कि देख ही नहीं रहे इनको मैं। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई को लैम्बो मिल गई थी, मतलब लैम्बो मिल गई तो मैं सोच रहा था भाई लैम्बो ओ भाई इसको तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ मेरा M4 में 6x लगा रखा था तो मैंने सोचा भाई 6x क्यों रखा है ये। अब यहाँ पर मैं 3x करते हुए निकल गया आगे की तरफ ड्रॉप लूटने के लिए। अब जैसे मैं ड्रॉप लूट रहा था तभी अब यहाँ भाई ये पटर पटर कर रहा था, मैंने कहा भाई सक मैं मर जाऊँ भाई अपना लैम्बो को कुछ ना होने दूंगा। तभी मैं निकलता हूँ आगे की तरफ और भाई इधर मैं पुश नहीं करता क्योंकि HP डाउन है, तो HP डाउन थी तो इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ। अब यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ पर मैं हेलमेट बोलो हेल्थ लेते उस बंदे को स्पॉट करता हूँ। तभी यहाँ पर मेरे को अच्छा सा मौका दिखता है, ये दूसरी साइड बंदा, तो मैं इस बंदे पर कर देता हूँ पोस। और इस बंदे को मारेंगे हम कैसे मारेंगे वो देखो। यहाँ पर मुझे किले फोट आ गया था, ये बंदा किधर है भाई 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 ये कौन था नानी। ओ भाई टैप नानी भाई, इस नानी को दो बार मारेंगे हम, वो तुम देखो कैसे मारेंगे। तभी इसे यहाँ पर एक बॉट आता, अब बॉट को मार देते। हमने सोचा अब तो हम ही है जो है क्योंकि यहाँ पर 4 किल हो गए थे। अब 4 किल खाते में थे भाई, मैं लैम्बो में फ्यूल भरा था क्योंकि लैम्बो तो भाई कहीं नहीं जानी चाहिए, लैम्बो तो अपनी है। तभी यहाँ पर सामने एक बंदा भाई फायरिंग देता मेरे पे, मैंने सोचा भाई ये तो क्या गला सीन है, तो भाई उस बंदे पर डायरेक्ट पुश कर देता। अब ये भाई कौन था वो तुम देखो, मुझे पता था हाँ मैं पुश करूंगा वो मेरे पे नेट करेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे पुश ही नहीं करता, इसे पीछे से निकलते इसको रस करता हूँ मैं ज़्यादा। अब यहाँ पर भाई नेड मॉली स्मोक स्मोक मॉली सब कुछ कर देता भाई, इसके पास अगर नेड मॉली के अलावा अगर BGMI कुछ देता तो वो भी यहाँ कर देता बंदा। तो मैंने सोचा भाई तू करता रहे अपन जाएगा नहीं ऊपर। अब यहाँ पर भाई एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, तीन बंदे नहीं, चार बंदे नहीं, छह बंदे नहीं भाई, बंदे ही बंदे थे। अब मैंने सोचा क्या करें, तो भाई मैं सोचता हूँ भाई इस बंदे को तो मारना पड़ेगा ऊपर वाले को। तभी यहाँ पर ना भाई ऊपर वाला बंदा किसी एक बंदे को मारता है। अब यहाँ पर तुम देख लो टैप नानी, मतलब ऊपर वाला बंदा नानी है, तो भाई उस नानी को भी मारेंगे, कैसे मारेंगे वो तुम देखो। अब तभी मैं आगे जाता हूँ, तभी ये बंदा इधर हेल्थ ले रहा होता तो भाई सोचता हूँ अरे नानी जी आ रहे हैं हम रुको। भाई नानी तो थी नहीं यहाँ पर, मैंने सोचा प्रणाम कर लूँ पैर वैर छू लूँ पर नानी तो थी नहीं, तो क्या करते। अब मैं सोचा ऊपर बंदा तो भाई क्या करें, चलो ऊपर जाते रस करते हैं। तभी अब भाई नानी तो नानी है, चालाक तो है ही है, तो मैं सोचता हूँ भाई ड्रिंक पीते। वैसे तुम लोग बताओ किस किस की नानी चालाक है भाई। भाई मेरी नानी तो बहुत अच्छी है सही बताऊँ, आई लव नानी। तुम लोग को किस किस को नानी पसंद है अपनी कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को। अब यहाँ पर ऊपर थी ये नानी, मेरे को पसंद नहीं थी ये, तो भाई बहुत ड्रामा कर रही थी। अब मैं नेड करता हूँ ना, ये मेरे को अच्छा मौका मिला, मैं घुस गया नानी के ऊपर, नानी भागी मैं भागा नानी घुस गई। अब मैं सोचा अब पैर, मुझे पता था भाई नानी बाहर निकलेंगे तो नानी को तो ले लेते तर। अब नानी को लेने के बाद मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। अब तभी यहाँ पर एक सामने और बंदा था, अब भाई ये ऊपर की साइड था, मुझे लगा कि ऊपर भाई मारेगा, भाई ये बंदा ऊपर से निकल ही नहीं था। अब ये बंदा भाई अच्छा खासा कैम कर लिया, मतलब एक फूट नहीं दे रहा था, मुझे लगा भाई ये गंदा कैम करा, जब तक मुझे इस बंदे का क्लियर फूट सुनाई नहीं देगा तब तक मैं पोस्ट नहीं करने वाला। तो भाई इधर मैं उसका फूट सुनने लगा। अब यहाँ पर फूट सुनते सुनते काफ़ी देर हो जाती मेरे को, तो यहाँ पर वैसे मैं बंदे और दूसरे स्पॉट करता, तभी इस बंदे मेरे को इधर स्पॉट बोलता फूट देता है। तो मैं समझ गया था भाई तू किधर है, तो मैं घुस जाता हूँ डायरेक्ट MG लेके, मतलब तुम देख रहे हो भाई का टसन। अब मैं समझ गया था कहाँ लेटा, तो मैं इस पर एक नेड करता हूँ। अब नेड से कैसा बचता वो तुम देखो, लॉन्डे ने बोल दिया भाई तू नेड कर ले मॉली कर ले कुछ भी कर ले मैं तो नहीं हटने वाला। तो मैंने कहा भाई तू हट मत मैं हटा दूंगा। तो भाई इस बंदे को मारने के बाद ना यहाँ पर भाई तुम्हारे भाई के 6 किल हो गए थे। तभी यहाँ पर बग्घी आती है, अब इस बग्घी मुझे पता था बग्घी आएगी इधर की साइड, तो भाई हो सकता है शेक पर रुके, तभी ये बंदा था शेक पर रुकता है इसका, क्योंकि बग्घी का
टायर फूटा था। अब जैसे एक कार जाती है इस पर रश करने के लिए, मुझे यहाँ पर मालूम पड़ गया तो इन दोनों बंदे की फाइट होने वाली। तो भाई इधर मैं किल चोरी करूंगा, अब तुम देखो कैसे किल चोरी करूंगा। अब भाई इधर मैं आता हूँ किल चोरी करने के लिए, पर वो दोनों बंदे बोलते हैं तेरे को किल तो नहीं देंगे, क्योंकि उन दोनों बंदे ने कर दिया था मीटअप, मतलब मीटअप भाई मीटअप ही कर लिया था। अब भाई जैसे मैं नीचे आता हूँ ना, अपना जगह चेंज करता हूँ, तभी यहाँ पर जो कार वाला बंदा वो निकल जाता, तो भाई बग्गी वाला बंदा बचता। तो मैं सोचता हूँ इसका वेट करता हूँ, ये निकलेगा पक्की बात है निकलेगा। तभी चेक करना इसका गेट खुलता है, तो मुझे लगा कि भाई चेक कर रहा है कि मैं स्प्रे दूँ, मैंने कहा नहीं दूंगा, तो निकली। तो भाई इधर भी मैंने स्प्रे नहीं दी, क्यों? अगर मैं उधर स्प्रे देता तो भाई ये कवर में चल जाता, इसलिए थोड़ा सा वेट करा एंड इस बंदे को मार दिया। अब यहाँ पर 7 किल हो गए थे और भाई यहाँ मुझे और भी किल करने थे, तभी यहाँ पर मुझे बग्गी का साउंड आता है। अब ये बंदा देखो मिस्टर इंडिया तो कौन था ये बताओ मेरे को, मारा गायब। मुझे लगा भाई कहाँ गया, अब भाई मुझे तो भाई समझ ही नहीं आया। तभी मैं अंदर जाता, तभी नेट कुक करता, मैं समझ गया था ओम फो नगीने तेरी तो रुक जा तू, ऐसे थोड़ी ना भाई नागिन बोल रही तू मारते रहो, मैं नहीं हटूंगी क्योंकि मेरा नाक तो खो गया, तो मैंने कहा तू भी जा, तू भी खो। अब यहाँ पर लैम्बो लेके निकल रहा था, तभी तुम देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, जिस नागिन को मारा था उसका सपेरा जिंदा था, तो भाई वो सपेरा तुम देखो कैसे ढसता है मेरे को। अब यहाँ पर मैं सर्कल में जा रहा होता, तभी जब पीछे कूप होती है भाई ये सपेरा था, अब तुम देखो गंदा मारेगा मेरे को, कितना गंदा मारेगा मुझे भी नहीं पता भाई। जैसे यहाँ आता हूँ, अब यहाँ मुझे बग्गी दिखती है, मुझे लगा बंदा है, तो मुझे हल्का सा फुट आता, तो मुझे लगा कि इधर है, तो एक मौली करता हूँ मैं ना, इसलिए अंदर मौली नहीं करी, हो सकता है वो मौली के डर के बाहर आया तो डेमे से हो, और एक अंदर मौली कर दो, तो तभी यहाँ बंदा नहीं होता। मैं समझ गया था तो दूसरे घर में बैठा हुआ, तो मौली का था वेट करता है, एंड इधर से मैं बंदे स्पॉट करता हूँ। अब तुम देखना ही भाई मैं कितना गंदा पिटने वाला हूँ, ये तो मैंने सभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना गंदा पिलूंगा क्या। अब तुम देखो तभी भाई ये इतना गंदा डैमेज देता है, मैंने कहा भाई अरे बाप रे। अब तुम ये बंदा बताओ भाई, मतलब खड़ा हुआ मैं इसको ट्राई करता हूँ मारने के लिए, तभी मुझे भी समझ नहीं आया ये बंदा करा क्या भाई मेरे साथ। अब भाई अच्छी लगी वो वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना गाइस, चलता।